जी राहुल जी, पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, फिर से मुलाकात हो रही है। माइक थोड़ा ऐसे लेके बात करिएगा, आवाज सही है ऐसे, परफेक्ट। मैं कह रहा था फाइनली भूकंप आ गया, जैसे आप कहने लगे। थोड़ी सी मेरी देरी हो गई, कोई बात नहीं। मंच पे कौन कौन है मैं वही देख रहा था। चुनाव का समय है और दो युवा एक साथ खड़े हैं। युवा 43 के अखिलेश हैं, 46 के आप हैं। आप लोगों को सच में लगता है कि आप लोग युवा हैं? थोड़ा अटपटा नहीं है? आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा। कष्ट तो बिल्कुल होगा ना मालिक, कष्ट क्यों नहीं होगा। मैं बहुआ हूँ, मुझे गाली दे तो चल जाएगा, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं। राहुल जी मैं कह दे रहा हूँ, सच हो झूठ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, झूठ से फर्क नहीं पड़ता तो मैं यही खत्म करता हूँ, मेरे को बात नहीं करनी। इसके लिए मैं आपसे शुरुआत में माफी मांगना चाहता हूँ। क्या बोला आपने? मैं माफी मांगना चाहता हूँ। चलिए माफ किया, पिछली बार तो आपने गंगा जमुना के लिए भी सॉरी नहीं बोला, सॉरी नहीं बोला था। वैसे इतनी रैलियां, इतने भाषण, इतनी सारी बातें, आपको मोटिवेट कौन सी चीज करती राहुल जी? नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच। अच्छा एक बात बताइए, बात क्या बताइए, आप भी पूछिए ना, कुछ पूछ रहे थे आप मुझसे। अच्छा बताओ, 15 लाख रुपए आपको मिले? 15 लाख आप बताइए, अपनी जेब दिखा के। आपको मिले नहीं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे? सर ये जेब कहाँ गई आपकी? वो गायब हो गई। वैसे एक हटके सवाल पूछूं मैं आपको पॉलिटिक्स से, आपको ABCD याद है क्या? ABCD मतलब अगर पूरा ना माने तो PPE ABCDFGHY नहीं GHI। बच्चे भी ये शो देख रहे हैं, इतना तो पता ही नहीं आपको अभी तक। GHI सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। अरे कमी तो ठीक है, लेकिन ऐसे में आप किस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे? मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भी मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूँ। कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? मैं भी मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, जबान मेरी भी बहुत बार लड़खड़ाती है। पर आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से मोदी जी में बहुत कमियां हैं, मान ली, केजरीवाल जी में भी आपको कोई कमी लगती है कि नहीं लगती? उसे सब जगह स्कैम दिखाई देता है। क्या कहा आपने? उसे सब जगह स्कैम दिखाई देता है। वैसे राहुल जी मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, यार आप यहाँ भाषण दे रहे हो, बगल में अखिलेश जी उनको चुप कराइए ना इशारे से, वो बोल रहे हैं आपको सुन नहीं रहा। थोड़ा पानी देना, गलत सूख रहा। आप स्कैम की स्पेलिंग बता रहे थे राहुल जी, स्कैम की स्पेलिंग क्या है? SCAM SCAM और इसमें सी का क्या मतलब है? चना। क्या चना मतलब? चना पकड़ना। मतलब आप कह रहे हो नवरात्रि में हलवा पूड़ी के साथ प्रसाद में क्या बनता है? चना। चना। अच्छा मतलब अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो उसके पास खाने के लिए क्या ऑप्शन बचा? चना। चना। और वो जोरा जोरी जिस खेत में हुई थी, उस खेत में क्या उगता था? चना। चना। पिछली बार गंगा जमुना, इस बार चना। मतलब हर बार एक जगह पे आपकी सीढ़ी अटक जाती है। आप बताओ मेरे को, अगर स्कैम में सी का मतलब चना है ऐसा मैं लोगों को बोलूंगा तो क्या लोग मान लेंगे? मान लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, अब इसके आगे मेरे से नहीं होगा, तोड़ दूंगा माइक। देखिए आप में गुस्सा है। अरे एक मिनट, गुस्सा क्यों नहीं होगा? आप बताइए, गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या खाऊं? चना।